नमस्कार साथियों, बच्चों आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जो है जेआरएफ सोशल साइंस के लिए। जेआरएफ सोशल साइंस के लिए हम एक पूरा क्रैश कोर्स 30 डेज़ का क्रैश कोर्स बोल सकते हैं अपकमिंग जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए। सितंबर में आपकी एग्ज़ाम है तो उसके लिए हम यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी के लिए कोई चार्ज नहीं है। जो भी बच्चे जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं सोशल साइंस से, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए, उनके लिए यह सीरीज़ है। क्रेश कोर्स का मतलब यह है कि अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 25 to 30 डेज़ है एग्ज़ाम के पहले, तो हम 25 से 30 डेज़ में वो सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे कवर करें जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी IMP है। तो उसी के लिए मैंने ये सीरीज़ तैयार की है, GRF सोशल साइंस क्रेश कोर्स है, फ्री ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पे डेली लेक्चर्स आपको इसको मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। पहले हम यहाँ पर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक्स, ये सब्जेक्ट जो है समझना बहुत ज़रूरी है। विदाउट कॉन्सेप्ट क्लियर हुए इसको समझना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज होती है वो कई बार ऐसी होती है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्या आंसर हमें करना है। तो अपकमिंग GRF एग्ज़ाम के लिए ये रहेगा। इसमें मैं आज पहला लेक्चर लेने वाला हूँ, वो है इंट्रोडक्शंस। उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइंस, सोशल साइंस होता क्या है, ठीक है, क्यों हम उसकी स्टडी करते हैं, उसकी स्टडी करना ज़रूरी क्यों है। देन द इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ेंगे कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है, क्या क्या सिस्टम्स जो है इकोनॉमी के चल रहे हैं दुनिया में, वर्ल्ड में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिया कौन सी इकोनॉमी को फॉलो करता है, सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हमारा जो पहला लेक्चर होने वाला है वो है इंट्रोडक्शन, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ आपको, यहाँ पर GRF सोशल साइंस करके APOC ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लेना। ये अभी मैंने बनाया है क्योंकि आप स्पेशली इस कोर्स के लिए, ठीक है। इसमें मैं आपके साथ कुछ बुक्स शेयर करूँगा, कुछ नोट्स शेयर करूँगा, और आपके लिए अगर मैं टेस्ट सीरीज दूंगा, 4 से 5 आपको फुल एंड टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवाऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो मैं आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दूंगा, तो इसको आप ज्वाइन कर लेना, क्लियर है। अब यहाँ बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन की, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू सोशल साइंस। टॉपिक क्या है पहले भी बता देता हूँ, क्या टॉपिक हम कवर करेंगे। तो पहले मैं बात करूँ यहाँ पे, तो हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू सोशल साइंस और द इकोनॉमिक सिस्टम, द इकोनॉमिक सिस्टम, ये दो टॉपिक हम लोग आज कवर करने वाले हैं, क्लियर है। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शंस की कि द सोशल साइंस होता क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्लियर है। तो सबसे पहले बात करते हैं सोशल साइंस होता क्या है, व्हाट इज सोशल साइंस, व्हाट इज सोशल साइंस। देखो सोशल का मतलब ही क्या होता है, सोसाइटी, ठीक है, सोशल का मतलब सोसाइटी, और साइंस का मतलब क्या हो गया, उसमें रहने वाले लोगों का आपस में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, किस तरीके से वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, उसकी स्टडी करना सोशल साइंस हो जाता है। सोशल मतलब सोसाइटी, और साइंस का मतलब क्या होता है, सोसाइटी में रहने वाले लोगों का या उस सोसाइटी की स्टडी करना साइंस कहलाता है। मतलब सोशल साइंस जो क्या है, एक इंटीग्रेटेड पार्ट है, क्या पार्ट है, एक इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट का मतलब है कि इसमें कई सारे डिसिप्लिनस जो है वो इंक्लूड होते हैं। कई सारे डिसिप्लिनस का क्या मतलब है, इसके अंदर इकोनॉमिक्स भी आती है, पॉलिटी आती है, हिस्ट्री आती है, एजुकेशन आता है, इन्वायरमेंटल साइंस आता है, लॉ आता है, सारे डिसिप्लिन जो है, जितने भी सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते हो ना, ऑलमोस्ट सारे जो है कहीं ना कहीं सोशल साइंस के अंदर ही आते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसका अल्टीमेट रीज़न क्या होता है, गोल क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक होता है सोसाइटी से, है ना। अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका इम्पेक्ट सोसाइटी पर पड़ता है, चाहे डायरेक्ट पड़े या इनडायरेक्ट पड़े, ठीक है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, अगर बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ता है, क्यों, क्योंकि अगर प्रॉफिट होता है तो क्या होगा, आप मोर एम्प्लॉयमेंट दोगे, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा दोगे, या फिर सैलरी इंक्रीज़ करोगे, बोनस दोगे वर्कर्स को, तो वर्कर्स की फैमिली पे इम्पैक्ट पड़ेगा, देन सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। फार्मर के सेंस में बात करूँ तो अगर फार्मर की जो है क्रॉप अच्छी होती है, प्रोडक्शन अच्छा होता है, तो अपनी जो है फार्मर्स की फैमिली पे इम्पैक्ट पड़ेगा, कंट्री की इकोनॉमी पे इनकम पड़ेगा, एग्रीकल्चर की GDP इंक्रीज होगी। अगर लॉस होता है, क्रॉप पूरी तरीके से फेल हो जाती है, तो सीधी बात उसकी फार्मर की फैमिली पे इम्पैक्ट पड़ेगा, मीन्स सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से क्या है, सोसाइटी से लिंक होते हैं जितने भी डिसिप्लिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो सोशल साइंस है क्या, सिंपल सेंस कह सकते हैं इट इज़ ए पार्ट ऑफ, या हम बोल सकते हैं क्या, ये इंटीग्रेट पार्ट है, इंटीग्रेट पार्ट ऑफ
एनी सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी का एक इंटीग्रेट पार्ट होता है। इंटीग्रेट पार्ट का मतलब मैं समझा चुका हूँ क्या होता है। इंटीग्रेट मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर जुड़कर बना हुआ है, मतलब जितने भी डिसिप्लिन हैं, चीज़ें हैं, वो आपस में सब जुड़ के सोशल साइंस बनाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बात की है ना, अगर कोई फार्मर है, ठीक है, अगर कोई बिजनेसमैन है, बिजनेस है या बिजनेसमैन है या और भी सिचुएशन, अगर फार्मर की क्या होती है, क्रॉप यहाँ पे फेल हो जाती है, क्या होगा उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, सोसाइटी पे। कहाँ पड़ेगा इम्पैक्ट, कहाँ पड़ेगा उसका, सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, चाहे डायरेक्ट पड़े या इनडायरेक्ट पड़े, मतलब फार्म पे। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि फार्म पर जो फार्म की प्रॉब्लम्स होती हैं उसका जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, सोसाइटी पे। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स आती है फार्म पे तो उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है, सोसाइटी पे पड़ता है। बिजनेस मीन्स अगर कोई डाउनफॉल आता है बिजनेस के अंदर, ठीक है, अगर कोई बिजनेस के अंदर डाउनफॉल आ जाता है, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो क्या करेगी वो कंपनी, वर्कर्स को जॉब से निकाल देगी, तो पीपल लॉस देयर जॉब, लॉस देयर, वहाँ की कंपनी कई सारे वर्कर्स को निकाल देगी या उनकी सैलरी में कटौती कर देगी, सैलरी कम देगी। जैसे कि अभी कोरोना की काल में क्या हुआ था, कोविड सिचुएशन में कई सारे लोगों ने अपनी जॉब खो दी थी या कई सारे लोगों को आधी सैलरी मिल रही थी, तो उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ रहा था। या सैलरी नहीं मिल रही है, आधी सैलरी मिल रही है, तो फैमिली का जो खुद का भरण पोषण, फैमिली का भरण पोषण, सर्वाइवल कैसे करें, तो इम्पैक्ट अल्टीमेट कहाँ पड़ रहा था, सोसाइटी पे। तो इसकी स्टडी करना ही क्या कहलाता है, सोशल साइंस कहलाता है। क्लियर है? तो और भी कई सारे एग्जांपल अपन आप खुद पे ले सकते हैं, है ना, कि अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हो, अभी कोरोना काल में इम्पैक्ट पड़ा, आपके पापा की जॉब चली गई या सैलरी आदि मिल रही है, तो आपका जो एक्सपेंडिचर है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ा। आपको जहाँ महीने के 5,000 मिल रहे थे, वहाँ आप 3,000 मिल रहे होंगे, तो वो इम्पैक्ट पड़ता है और उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर भी पड़ता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, क्लियर है? और भी चीज़ें देखो, जब फर्स्ट फेज था कोरोना का, उस समय जब आप कहीं रूम पे रेंट रह के रह रहे होंगे, तो वहाँ के मकान मालिक ने भी क्या किया, या तो आपसे आधा किराया लिया होगा या फिर किराया नहीं लिया होगा, तो इम्पैक्ट सोसाइटी पे भी पड़ा ना। तभी तो आपस में एक दूसरे का जो रिलेशन है वो संबंध हम चेक करते हैं यहाँ पे सोशल साइंस में, भाई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, भाई उनको भी पता था कोविड सिचुएशन है, उन्होंने भी किराया छोड़ा, आपने भी सिचुएशन समझी, तो हो सकता आपने आधा किराया दिया। तो ये सारा चीज़ें जो है इसको हम स्टडी करते हैं सोशल साइंस के अंदर। अब यहाँ पे समझिए सोशल साइंस की, उसको डिफाइन करें तो क्या हो, कैसे डिफाइन करेंगे सोशल साइंस होता क्या है, ठीक है? सोशल साइंस को अगर डिफाइन करें तो क्या है सोशल साइंस, तो हम इसको कह सकते हैं इट इज़ द स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की स्टडी एंड द रिलेशंस बिटवीन या रिलेशंस अमंग द इंडिविजुअल्स या रिलेशन अमंग द मेंबर्स विद इन दोज सोसाइटी। मतलब सोसाइटी की तो स्टडी करना, बट सोसाइटी के अंदर, उस सोसाइटी के अंदर रहने वाले जो लोग हैं या मेंबर हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनका आपस में क्या संबंध है, उसकी स्टडी भी हम सोशल साइंस के अंदर करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, टू द स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोसाइटीज की स्टडी करना एंड द रिलेशनशिप among the members of member within the society, member within those society, उस society में रहने वाले members के बीच में क्या आपस में relation है, क्या संबंध है, उसकी study करना क्या कहलाता है, social science कहलाता है। अब इसके discipline या branches की बात करें, branch of social science की ब्रांचेस की अगर बात करें तो कई सारी ब्रांचेस है, तो कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है जो हमें पढ़ना है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे होता है इकोनॉमिक्स, क्या होता है इकोनॉमिक्स, पहला इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, क्या होता है इकोनॉमिक्स का मतलब, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड का मतलब है कि आपको कितना पैसा मिला और आपने उस पैसे का किस तरीके से यूज़ किया, दैट इज़ इकोनॉमिक्स। क्योंकि जो पैसा आपके पास है वो लिमिटेड है, समझ गए,
जो आपके पास मनी है वो लिमिटेड है, और लिमिटेड रिसोर्सेज का किस तरीके से यूज़ करना, इफ़िशियंट यूज़ करना, उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। अगर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के सेंस में बात करूँ तो क्या हो गया, लिमिटेड रिसोर्सेज क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल। लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ये लिमिटेड रिसोर्सेज है। इन लिमिटेड रिसोर्सेज का इफ़िशियंटली यूज़ करना अपने फार्म पर, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स क्या हो गया, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, या बोल सकते हैं स्टडी ऑफ वेल्थ गेटिंग, स्टडी ऑफ वेल्थ गेटिंग एंड वेल्थ यूज, या वेल्थ यूजिंग एक्टिविटी। अल्टीमेटली मीन्स क्या हो गया, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड इसका अल्टीमेटली मेन होता है। देखो मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड का क्या मतलब है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, और भी मेरे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाओगे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स बारे में, उसमें पहला ही लेक्चर इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें क्लियरली मैंने बताया कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड क्या होता है। तो मैनेजमेंट हाउस होल्ड क्या होता है, मान लो वही चीज़ कि आपको आपके फादर ने कितने दिए, 5000 रुपीज़ हर मंथ आपको मिलते हैं मंथली एक्सपेंडिचर के, आपके खर्चे के लिए, क्योंकि आप स्टूडेंट लाइफ में हो, पर मंथ आपके लिए 5000 रुपीज़ सफिशियंट होते हैं एज़ पर दी योर पेरेंट्स एंड एज़ पर दी जो है स्टूडेंट लाइफ। तो आपको 5000 रुपये मिलते हैं पर मंथ। अब 5000 रुपीज़ ये आपके पास क्या हो गया, लिमिटेड फंड, ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास लिमिटेड वेल्थ है, लिमिटेड वेल्थ बोल सकता हूँ, या लिमिटेड मनी है आपके पास। इस लिमिटेड मनी जो 5000 जो आप लिमिटेड मनी आपको मिला है आपके पेरेंट्स से, इसका पूरे महीने में किस तरीके से यूज़ करना है, दैट इज़ इकोनॉमिक्स। मतलब ये हो गया वेल्थ गेटिंग, आपको 5000 मिला जो कि लिमिटेड है, और वेल्थ यूजिंग मतलब अब इस 5000 को पूरे मंथ में किस तरीके से हमें यूज़ करना है। ठीक है, आप किस तरीके से यूज़ करते होंगे, कहीं ना कहीं आप 1500 रुपीज़ क्या दे देते होंगे, रूम का रेंट जो भी आपका होगा। ठीक है, देन 1500 रुपीज़ आपके क्या हो जाता है, मेस खाने का हो जाता होगा 3000। ठीक है, 1000 अगर आपके पास बाइक है तो आप पेट्रोल वगैरह यूज़ करते होंगे, देन 1000 अदर एक्सपेंडिचर आपका होता होगा, कुछ इस तरीके से आप मैनेज करते होंगे, चाय पानी का खर्चा है, देन एंड ऑल। ठीक है, कई सारी चीज़ें होती है स्टूडेंट लाइफ में, तो इस तरीके से हम मैनेज करते हैं, इस तरीके से मैनेज कर, कई बार कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर आ जाता है, कई फ़ोटो कापीज एक्स्ट्रा करवानी पड़ती है, या हो सकता है कुछ और चीज़ें हैं, या बीमार हो गए तो वहाँ पर आपके 1500 एक्स्ट्रा लग गए, तो वो जो मैनेजमेंट होता है किस तरीके से हमें मैनेज करना है, दैट इज़ इकोनॉमिक्स। ये लिमिटेड फंड था, लिमिटेड फंड को पूरे महीने में किस तरीके से यूज़ करना, उसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक्स। क्लियर है, तो ये हम इसके सोशल साइंस के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी भी है, वो भी सोशल साइंस का ही पार्ट है। इसके फादर का जो नाम है वो है अगस्त कॉम्प्टन। अगस्त कॉम्प्टन ने सोशल साइंस टर्म्स यूज़ किया था अपनी फील्ड को डिस्क्राइब करने के लिए, साइंस ऑफ सोशल ये टर्म्स उन्होंने यूज़ किया था अगस्त कॉम्प्टन ने, जो कि फादर है सोशियोलॉजी के। तो यहाँ पे हम क्या स्टडी करते हैं, यहाँ पे हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ बिहेवियर, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ए पर्सन या ह्यूमन। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई व्यक्ति हो के उसके बिहेवियर, उसके व्यवहार की स्टडी की जाती है कि वो किस तरीके से समाज में रहता है, क्या उसकी समाज में रहने की पूरी प्रक्रिया है, मोनोपोली है, कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम उसके ह्यूमन के बिहेवियर की स्टडी अगर कर रहे हैं तो वो सोशियोलॉजी के अंदर आता है, कैसा उसका सोशल जो नेचर है। ठीक है ना, और नेक्स्ट आता है साइकोलॉजी। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो क्या है, साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी का क्या मतलब है, साइकोलॉजी का मतलब है विचारधारा। ठीक है, मेरे सोचने का तरीका क्या है, आपके सोचने का तरीका क्या है, एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके। ठीक है, मान लो इसीलिए तो कई सारे अलग अलग प्रकार के लोग हैं जिनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है ना, एक किसी एक चीज़ को लेके किसी का जो है पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा और किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, उसको क्या बोलते हैं, बिहेवियरल प्रोसेस विद इन द पर्सन, मतलब लोगों के अंदर उनके विचार क्या हैं किसी चीज़ को लेके, उसको बोलते हैं साइकोलॉजी। ठीक है, उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है, साइकोलॉजी। मतलब हम यहाँ कह सकते हैं स्टडी ऑफ
बिहेवियरल प्रोसेस विद इन ए पर्सन, अगर कोई व्यक्ति है उसके अंदर उसकी विचारधारा क्या है किसी चीज़ को लेके, उसको हम उसके अंदर साइकोलॉजी की स्टडी करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करेंगे साइकोलॉजी के अलावा और क्या चीज़ें होती हैं। थर्ड वन, हिस्ट्री भी आता है इसके अंदर, क्योंकि ज़रूरी है। जब तक हम पास्ट इवेंट की स्टडी नहीं करेंगे, अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इकोनॉमिक्स अगर जानना है तो पुरानी चीज़ों को भी जानना पड़ेगा ना। अगर जीडीपी की स्टडी कर रहे हो तो पिछले 10 सालों की भी जीडीपी स्टडी कीजिए ना, कि पहले 10 सालों में क्या ट्रेंड रहा है, 50 सालों में क्या ट्रेंड रहा है। तो हिस्ट्री भी ज़रूरी है। हिस्ट्री मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट, स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट, जितने भी पास्ट में जो घटनाएं हुई हैं उनकी स्टडी करना हिस्ट्री कहलाता है। ठीक, और क्या हो जाएगा हिस्ट्री के अलावा? एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड, स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड, मानवों का अध्ययन। अब इसके अंदर क्या आता है? सोसाइटी आ जाती है इसके अंदर, सोसाइटीज आ जाता है, कल्चर आ जाता है, नेचर आ जाता है, ट्रेडिशन आ जाता है एंड देयर डेवलपमेंट। सोसाइटी, वहाँ का कल्चर और उसका डेवलपमेंट जो है वो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आता है। क्लियर है? और क्या हो गया? और पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस में क्या स्टडी करते हो आप? स्टडी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, इसमें हम गवर्नमेंट की स्टडी या स्टेट की स्टडी एंड देन पॉलिटिक्स की स्टडी करते हैं, उसको पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। तो ये जस्ट बेसिक कुछ ब्रांचेज हैं, वैसे तो बहुत सारी होती है। अगर आप सर्च करने जाओगे ना गूगल पे कि ब्रांचेस ऑफ सोशल साइंस, तो आपको कम से कम 100 ऑफ ब्रांचेस मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट जितनी भी डिसिप्लिन है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से लिंक होता है किससे? सोसाइटी से। तो ये एक बेसिक नॉलेज था कि सोशल साइंस क्या होता है ना, क्योंकि ज़रूरी नहीं यहाँ से क्वेश्चन आएगा, बट नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट का नाम ही है सोशल साइंस, या आपका जो कोर्स है उसका नाम ही है सोशल साइंस। तो सोशल साइंस होता क्या है ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? अब हम यहाँ पे बात करेंगे द इकोनॉमिक सिस्टम। क्या बात करेंगे? द इकोनॉमिक सिस्टम। अब हम द इकोनॉमिक सिस्टम पे बात करेंगे। यहाँ से ज़रूर क्वेश्चंस बनता है, ठीक है, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं, एक आध क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे ज़रूर अच्छे से आपको समझना है। तो द इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो देर आर फाइव इकोनॉमिक सिस्टम, देर आर फाइव इकोनॉमिक सिस्टम। वैसे तो जनरली देखा जाए तो तीन या चार ही इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, बट कई सारी बुकों में पाँच दिए हैं, कई सारी में तीन दिए हैं, बट होते क्या हैं एक्चुअल में देखोगे तो तीन है। कुछ एक पुराना सिस्टम है बार्टर सिस्टम, और सोशलिस्ट जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है उसी का एक फॉर्म है कम्युनिज्म, बस उसको अलग कर दिया गया है। तो हम यहाँ पे पांच पढ़ेंगे। पहला होता है कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। सेकेंड है सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। थर्ड वन है कम्युनिज्म। इकोनॉमिक सिस्टम एंड फोर्थ वन है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। एंड फिफ्थ वन है बार्टर सिस्टम या बार्टर इकोनॉमिक सिस्टम। देर आर फाइव इकोनॉमिक सिस्टम है, ये नाम भी आपको याद रखना है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम होता है, कम्युनिज्म इकोनॉमिक सिस्टम होता है, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम होता है, देन बार्टर इकोनॉमिक सिस्टम होता है। क्लियर है? अब वन बाय वन इसको समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, इसकी बात करेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। ठीक है, इस सिस्टम के बारे में समझिए क्या होता है। सबसे पहली चीज़, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम मतलब कैपिटल का यूज़ करके मैक्सिमम प्रॉफिट लेना, है ना। मतलब ये क्या है? प्राइवेट इकोनॉमी होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी बंदा हो यहाँ पे उसको फ्रीडम होती है कि वो अपनी फर्म बना सकता है, फर्म इस्टाब्लिश कर सकता है और प्रॉफिट ले सकता है। देखो, अब ये आपके दिमाग में आ रहा है सर तो कंपनी तो हम भी खोल सकते हैं, इंडिया में भी खोल सकते हैं, चाइना में भी खोल सकते हैं, लेकिन
अगर आपको कंपनी खोलना है या आपको कोई छोटी सी फैक्ट्री भी डालना है, तो आप यहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट मतलब कई सारी गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज़ आपको पूरी करनी पड़ती है, तब जाके आप वो कंपनी खोल सकते हैं, फैक्ट्री खोल सकते हैं या कोई शॉप खोल सकते हैं। क्लियर है? बट यहाँ पे कैपिटलिस्ट सिस्टम में उस बंदे को फ्रीडम होती है कि वो कोई भी फर्म शुरू कर सकता है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता किसी भी प्रकार से, ये डिफरेंस है। क्लियर है? तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट। देर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट, या बोल सकते हैं लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट, पहली चीज। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या होती है, फ्रीडम होती है। ठीक है, यहाँ पे फ्रीडम टू ओपन एनी फर्म। ठीक, क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम, कोई किसी भी बंदे को, कोई भी व्यक्ति को, यहाँ पे कोई किसी भी इंडिविजुअल को फ्रीडम होती है कि वो कोई भी फर्म यहाँ पे ओपन कर सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओनरशिप क्या होती है, अगर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो ओनरशिप क्या होती है, प्राइवेट होती है, या आप कह सकते हो इंडिविजुअल ओनरशिप होती है। ठीक है, प्राइवेट होती है या कह सकते हो इंडिविजुअल ओनरशिप इसके अंदर होती है। क्लियर? नाउ फोर्थ वन क्या हो जाएगा, अब कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फ्रीडम है, कोई भी खोल सकता है, ओनरशिप इसकी प्राइवेट होती है, इंडिविजुअल होती है। नाउ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स को क्या कहा जाता है, मार्केट इकोनॉमी, या हम कह सकते हैं इसको प्राइवेट इकोनॉमी भी कहते हैं, प्राइवेट इकोनॉमी कहते हैं। इस तरह की इकोनॉमी किस कंट्री में देखने को मिलती है, तो एग्जांपल आप लिख लीजिए यूएसए, यूके में इस तरह की इकोनॉमी वहाँ पे है, मतलब वहाँ पे फ्रीडम है, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, आप कोई भी फर्म शुरू कर सकते हो। क्लियर है? ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स होता है। क्लियर है? अब ये जो है किस पे बेस्ड है, यहाँ पे एक फ्रेज है, ठीक है, एक फ्रेज है, या बोल सकता हूँ बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ लेजर फेयर। ये लेजर फेयर क्या है, ये लेजर फेयर एक फ्रेज है, याद रखना, ये क्या है, एक फ्रेज है, लेजर फेयर फ्रेज है। इसका मींस क्या होता है, इसका मींस होता है देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट, याद रखना है। कई बार फ्रेजेस ही पूछ लेते हैं कि लेजर फेयर फ्रेजेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ लेजर फेयर, जिसका मतलब क्या है, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट। तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे सेकेंड है सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। अब सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम मतलब सीधी सी बात है क्या है, ये पब्लिक इकोनॉमिक सिस्टम है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, पब्लिक इकोनॉमी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, पब्लिक इकोनॉमी बोल सकते हैं, गवर्नमेंट इकोनॉमी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जितना भी प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, याद रखना, यहाँ पे जितना भी प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का ओन बाय गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट या स्टेट, जितना भी यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है कौन करता है, गवर्नमेंट करती है या फिर जो स्टेट है वो करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे पहली चीज़ क्या हो गई, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओन बाय स्टेट, उनके द्वारा किया जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मेन एम क्या होता है, इसका मोटिव क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक का मेन पर्पज़ क्या था, लिख लेना, मैंने बताया नहीं, कैपिटलिस्ट का मेन पर्पज़ होता है, कैपिटलिस्ट का मेन पर्पज़ क्या होता है, प्रॉफिट, मेन पर्पज़ क्या होता है, प्रॉफिट।
ठीक है, मेन पर्पज़ क्या होता है? प्रॉफिट। अब इसका एम क्या होता है? इसका मेन एम होता है सोशल बेनिफिट। क्या होता है? सोशल बेनिफिट। इसका मेन एम क्या होता है? सोशल बेनिफिट रादर देन प्राइवेट प्रॉफिट, रादर देन प्राइवेट प्रॉफिट। मतलब इंडिविजुअल प्रॉफिट से ज़्यादा सोशल बेनिफिट यहाँ जो है सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स का मेन एम होता है, मोटिव होता है, उद्देश्य होता है। क्लियर है? इस तरीके की इकोनॉमिक्स आपको कहाँ देखने की मिलती है? तो इस तरीके की इकोनॉमिक्स आपको रशिया में देखने को मिलेगी। क्लियर है? तो ये सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स हो गई, समझ में आया क्या है इसमें? इसको पब्लिक इकोनॉमी बोला जाता है, मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्शन होगा गुड्स एंड सर्विस जो भी होगी ओन बाय स्टेट करता है। एम क्या होता है यहाँ पे? मेन उद्देश्य इसका होता है कहीं ना टोटली सोशल बेनिफिट्स देना, लोग पब्लिक को बेनिफिट्स देना रादर देन इंडिविजुअल प्रॉफिट। मतलब गवर्नमेंट अपना प्रॉफिट ना देख के पब्लिक का प्रॉफिट देखती है, और बेस्ट एग्जाम्पल रिपब्लिक ऑफ रसिया बोल सकते हो। क्लियर है? थर्ड वन हम बात करते हैं यहाँ पे, थर्ड इकोनॉमी जो है वो कौन सी है? कम्युनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। कम्युनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? ये बोल सकते हैं इसको इट इज अ फॉर्म ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स। सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम का ही फॉर्म इसको बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक्सट्रीमली इन्वॉल्वमेंट होता है वो किसका होता है? पॉलिटिक्स का। यहाँ पे एक्सट्रीमली इन्वॉल्वमेंट होता है पॉलिटिक्स का, मतलब यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है या एक सेंट्रल बॉडी होती है जो कंट्रोल करती है प्रोडक्शन रिसोर्सेज का। क्लियर है? ओके तो यहाँ पे क्या होता है? एक्सट्रीमली इन्वॉल्वमेंट होता है, कह सकते हैं एक्सट्रीमली इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिटिक्स। यहाँ पे पॉलिटिक्स का एक्सट्रीमली इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब कि जो गवर्नमेंट होती है या एक सेंट्रल बॉडी होती है जो प्रोडक्शन रिसोर्सेज को कंट्रोल करती है, मींस वो डिसाइड करेंगे यहाँ पे कि क्या प्रोडक्शन होगा, क्या गुड्स का प्रोडक्शन होगा, क्या सर्विसेज अवेलेबल होगी, क्या चीज़ देना है, क्या चीज़ नहीं देना है। कौन डिसाइड करता है? एक सेंट्रल बॉडी होती है, गवर्नमेंट होती है, वो डिसाइड करती है। मतलब यहाँ पे डिसीजन मेकिंग बॉडी जो होती है, वो क्या होती है? या तो गवर्नमेंट या सेंट्रल बॉडी होती है, एक सेंट्रल बॉडी होती है। दे विल डिसाइड, क्या करते हैं? दे विल डिसाइड, प्रोडक्शन रिसोर्सेस की प्रोडक्शन रिसोर्सेस कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट या सेंट्रल बॉडी डिसाइड करती है। क्लियर है? ठीक। ये अब इस तरीके की इकोनॉमिक्स आपको कहाँ देखने को मिलेगी? इस तरीके की इकोनॉमिक्स आपको चाइना में देखने को मिलेगी। ठीक है, चाइना में जो है कम्युनिस्ट इकोनॉमी, वहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है क्या चीज़ होगी क्या चीज़ नहीं होगी। क्लियर है? तो ये है हमारा नेक्स्ट कम्युनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। आपको एग्जांपल याद रखना है मेनली, तो है ना, कि कम्युनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम कौन सी कंट्री फॉलो करती है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ वन, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम जो है ये मोस्ट कॉमन सिस्टम जो है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज को फॉलो करती है। इसमें होता क्या है? ये कॉम्बिनेशन है, बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट इकोनॉमिक्स का मिक्स कॉम्बिनेशन है। मतलब बोल सकते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स, क्या कह सकते हैं? मतलब जो कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट, उसका ये कॉम्बिनेशन है। एग्जाम्पल की बात करो यहाँ पे, तो एग्जाम्पल है इंडिया और पाकिस्तान और भी बहुत सारे हैं ETC जो ये मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करती है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वन हम बात करेंगे बार्टर सिस्टम, फिफ्थ वन। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ वन क्या है? बार्टर सिस्टम या बार्टर इकोनॉमिक सिस्टम। बार्टर इकोनॉमिक सिस्टम मतलब ये है एक पुरानी मेथड, बहुत पुरानी, जब मनी इंट्रोड्यूस नहीं होती, जब लोगों के पास पैसा ही नहीं था, मतलब पैसा क्या, मतलब पैसा बना ही नहीं था,
जब पैसा था ही नहीं तो लोग आप चीज़ क्या करते थे, किसी चीज़ को ख़रीदते कैसे थे? भैया मेरे पास गेहूं है, तुम्हारे पास चावल है, तुम थोड़े मुझे गेहूँ दे दो, मैं तुम्हें चावल दे देता हूँ। तो ये क्या था, एक्सचेंज सिस्टम था, उसी को बार्टर सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ बोल सकते हैं इट इज़ ए ओल्ड मेथड ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, ओल्ड मेथड ऑफ एक्सचेंज। इसमें एक्सचेंज क्या किया जाता है, मतलब कह सकते हैं इसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स टू अदर गुड्स, यहाँ पे सामानों का आपस में एक्सचेंज होता था। अब ये क्या है, बहुत पुरानी मेथड है, कोई भी कंट्री इस इकोनॉमी को फॉलो नहीं करती बाटर सिस्टम को। क्यों? क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स से आती है। प्रॉब्लम्स क्या आती है, देखो सबसे पहली प्रॉब्लम इम्पॉसिबल टू सब डिवाइड या सब डिविज़न ऑफ गुड्स। आप गुड्स को सब डिवाइड नहीं कर सकते। देखो फॉर एग्जाम्पल, मान लिया कि आपके पास एक लैपटॉप है, आपको एक प्राइस में एक लैपटॉप मिला, आपके पास दो लैपटॉप हो गए, क्लियर है? अब आपके पास दो लैपटॉप है, आप चाह रहे हैं कि भाई मेरे पास एक लैपटॉप सफिशियंट है, एक लैपटॉप मुझे क्या है, लैपटॉप के साथ प्रिंटर भी चाहिए, तो मैं एक लैपटॉप दे के किसी से प्रिंटर ले लूँ, पैसा नहीं है, ठीक है, मनी की कोई बात ही नहीं हो रही है, आपको क्या है एक्सचेंज करना है, इसे बार्टर सिस्टम की बात कर रहे थे, एक्सचेंज करना है। तो आप ये लैपटॉप देके किसी से प्रिंटर ले लें, लेकिन पहली चीज़ आपको प्रिंटर देने वाला बंदा ढूंढना पड़ेगा, क्लियर है? पहली चीज़ क्या है यहाँ पे, पहला तो आपको प्रिंटर देने वाला बंदा, अगर प्रिंटर देने वाला बंदा मिल भी जाए तो उसको क्या चाहिए एक्सचेंज में, वो भी मैटर करता है ना। हो सकता है उसको लैपटॉप ना चाहिए, उसको कुछ और चीज़ चाहिए, तो वो थोड़ी ना देगा आपको प्रिंटर कि भाई मैं लैपटॉप लेके प्रिंटर आपको दे दूँ, उसको तो कुछ और चीज़ चाहिए, तो वो डिफ़िकल्टीज। दूसरी चीज़, लैपटॉप की प्राइस 25,000 रुपये, प्रिंटर की प्राइस 10,000 रुपये, तो आप उस लैपटॉप को सब डिवाइड नहीं कर सकते कि भैया ठीक है तू आधा लैपटॉप ले ले, ऐसा नहीं है। या तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेम प्राइस का प्रिंटर लेना पड़ेगा, या फिर प्रिंटर के साथ कुछ और चीज़ लेनी पड़ेगी सेम वैल्यू की, क्लियर? या फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, भैया ठीक है 25,000 का लैपटॉप लेके मेरे को 10,000 का प्रिंटर दे दे, ठीक है। दूसरी चीज़, देयर इज़ नो गारंटी, ठीक है, देयर इज़ बोल सकते हैं नो गारंटी, नो गारंटी। नो गारंटी का मतलब है कि कोई गारंटी नहीं है कि वो जो आपने एक्सचेंज करके चीज़ ली है वो बिल्कुल अच्छी है, गुड क्वालिटी की है, ब्रांडेड है, या बोल सकते हैं उसकी जो है फेयर प्राइस में आपको दिया गया है, तो वो चीज़ आती है, ठीक है। तो ये डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पे फेस करनी पड़ती है बार्टर इकोनॉमिक सिस्टम में, इसलिए सिस्टम को कोई कम इकोनॉमी फॉलो नहीं करती है ना। पहले होता था, क्योंकि पहले जो है क्यों होता था, कब इसको यूज़ करते थे, बिफोर इंट्रोड्यूस, बिफोर इंट्रोड्यूस मनी, जब पैसा इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, जब लोगों के पास पैसा था ही नहीं, पैसा बना ही नहीं था, तो भाई चीज़ें तो खरीदनी बेचनी पड़ती थी ना, क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे, विनिमय, एस वस्तु विनिमय, भैया गेहूँ दे के चावल ले लिया, दाल दे के चावल ले लिया, इस तरीके के एक्सचेंज होते थे, तो उसको ही बार्टर सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। तो ये था द इकोनॉमिक सिस्टम। यहाँ पे आपको चीज़ें याद रखने की है, क्या याद रखने की है, कौन सी कंट्री कौन सी इकोनॉमी को फॉलो करती है, दूसरी चीज़ किस इकोनॉमिक्स को और क्या क्या कहा जाता है, किस में गवर्नमेंट का इन्वॉल्व नहीं होता है, फ्रेजेस याद रखना है, लोइजर, ठीक है, ठीक है। तो ये द इकोनॉमिक सिस्टम हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद के लेक्चर्स हम वो लेक्चर्स कवर करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, डिमांड सप्लाई, ये सारी चीज़ें, प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स, वन बाय वन कोशिश करेंगे 30 डेज़ के अंदर कंप्लीट करने का। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यूट्यूब पर मेरे कुछ लेक्चर्स हैं, एक मैराथन क्लास इकोनॉमिक्स की, उसको देख लीजिए, 50% आपका इकोनॉमिक्स वहीं कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम क्रैश कोर्स में कवर करेंगे इसे तो। और जो मैंने बताया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, APOC GRF सोशल साइंस, वहाँ पे आप आपस में डिस्कशन कर सकते हो, ओपन चैनल है। एंड अभी मैंने बनाया जस्ट इसी के लिए कि आप लोग आपस में डिस्कस कर सकें, मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकूँ, नोट्स शेयर कर सकूँ, वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ की लिंक दे दूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।